हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन एंड गाइज आप सभी को स्वागत है आज के टीएस एपिसोड नंबर 10 की वीडियो में। सो हाँ गाइज, हमने 2 महीने में 10 एपिसोड की सीरीज पूरी कर ली है। तो गाइज ये सब आपकी बदौलत ही हुआ है। अगर आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स नहीं करते तो आप आज ये वीडियोस नहीं देख पाते। सो गाइज आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, काफ़ी चटपटे और अटपटे सवाल हैं। तो इस वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सो गाइस हमारा पहला कमेंट है वो है पोयम बी का एंड वो कह रहे हैं हैशटैग गजब मेरे भाई। तो थैंक यू यार पोयम बी, और एंड बहुत अच्छे लगते हैं यार ऐसे कमेंट जब आते हैं, और भाई हमेशा ही ऐसे कमेंट करते रहना, सपोर्ट करते रहना। सो गाइस हमारा अगला कमेंट है वो है निधि शाका का एंड वो कह रही हैं एटीएस आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। तो धन्यवाद निधि शाका एंड ऐसी सपोर्ट करते रहना, फिर से बोल रहा हूँ। एंड ऐसे जो कमेंट्स आते हैं ना गाइस, सच में मैं उनसे बहुत मोटिवेट होता हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज वीडियो बनाई तो कल और दे दूँ, बट गाइस कल नहीं दे सकता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है उस वजह से। बट अगर मेरे को टाइम मिलने लग गया मैं डेली वीडियोज़ दूंगा, पक्का गारंटी है यार। सो गाइस जो मेरा अगला कमेंट है वो है पूजा निंजा का एंड वो कह रहे हैं आई लाइक यू एंड योर वीडियोज़। थैंक यू पूजा जी, कोई तो मुझे लाइक करता है एंड हमारी वीडियोस को तो सभी लाइक करते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद और ऐसी सपोर्ट करते रहना बस। सो गाइस हमारा अगला कमेंट है वो है आशीष का एंड वो कह रहे हैं फेवरेट फूड। फूड देखो भाई घर में और बाहर, आप बाहर घर का तो यार भाई मुझे घर में तो राजमा बहुत पसंद है, और अगर बाहर की बात करते हैं तो बाहर यार फास्ट फूड में तो बहुत चीज़ें पसंद है, बट हाँ अगर खाने में बात करते हैं तो मेरे को छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस हमारा अगला कमेंट है वो है अमन चौहान का एंड वो कह रहे हैं ब्रो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाओ स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए। तो भाई ज़रूर बनाऊंगा, आपने कहा और मैं सोच भी रहा था वीडियो बनाने की यूट्यूब से रिलेटेड। एंड जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था वेडनेसडे को जब मैं आया था, तो पक्का बनाऊंगा गाइस, आप टेंशन मत लो। और स्मॉल यूट्यूबर कोई नहीं होता, कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है भाई, सब यूट्यूबर हैं। अगर आपने यूट्यूब पे एक भी वीडियो डाल दिया ना तो भी आप यूट्यूबर माने जाते हो, तो समझ लो यार स्मॉल यूट्यूबर मत बोला करो, सिर्फ यूट्यूबर बोला करो, ठीक है भाई। सो गाइस हमारा अगला कमेंट है वो है राहुल का एंड वो कह रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे चल। क्या लॉन्ग ड्राइव? चल भाई चल, चलो चलो। सो गाइस हमारा अगला कमेंट है वो है शिव का एंड वो कह रहे हैं भाई यार रोहन एटीएस चैनल पे क्यों वीडियो नहीं अपलोड हो रही है एंड आई एम वेटिंग। तो भाई हाँ यार बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं ऐसे, और जल्द ही कोशिश करूँगा यार अपलोड करने की, बट जो मैंने मेन रीज़न वो लाइव स्ट्रीम में दिया है, तो वेडनेसडे वाली लाइव स्ट्रीम जाके देख लो भाई, आपको सारे आपके आंसर मिल जाएंगे, तो वो देख लो यार एक बार जाके, ठीक है भाई। सो गाइस मेरा अगला कमेंट है वो है रवि शर्मा का एंड वो कह रहे हैं ब्रो हेटर्स के लिए कुछ कहोगे क्या? तो भाई यार हेटर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हेटर्स को यार कहना तो है बट ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो भाई देखो हेटर्स अपना काम कर रहे हैं, करने दो, हम अपना काम करेंगे। हेटर्स का काम है बुरा काम करना, बट हम अपना अच्छा काम करेंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि भाई हम अच्छे हैं। बट हेटर्स क्या होते हैं भाई, देखो वो तो खुद कुछ कर नहीं सकते, और जब दूसरा कुछ कोई करता है तो उसकी यानी उसकी मेहनत पे वो लोग गलत गलत या नेगेटिव रिप्लाइज देते हैं और नेगेटिव आंसर और ये सब क्वेश्चन देते हैं, तो बहुत बेकार लगता है। बट हेटर्स भी यार एक तरीके के अच्छे हैं, हमारे साथ ही उनको लेके चलना है हेटर्स को। क्यों बताऊँ? क्योंकि गाइस देखो जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड करी एंड उस पर जो हेटर देखेगा जब वो तो देखेगा तो हमें व्यू मिलेगा, फिर व्यू मिलेगा तो अर्निंग भी होगी। तो हेटर्स को एक तरीके से अच्छा माना जाता है कि भाई वो व्यू दे रहा है हमें, बट गाइस आपकी मर्जी है, आप लाइक देते हो इस वीडियो को चाहे डिसलाइक देते हो, आपकी मर्जी है। बट गाइस मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी मैंने लाइकें रखे हैं वो हमेशा पूरे हुए हैं। बट गाइस ये जो यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो फ्लिपकार्ट वाली जो वीडियो है गाइस, जो मैंने डाली थी पैकेट फ्रॉम मिस्टीरियस बॉक्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो उस पर यार अभी मेरा लाइकें पूरा नहीं हुआ है, 30 लाइक्स हैं, 28 के आसपास हैं। तो जाके पूरा करो, गिव अवे एक्टिव करने के लिए आपको वो पूरा करना जरूर पड़ेगा। तो हेटर्स के लिए भाई ये कहूँगा, बाकी हेटर्स को गाइस मैं इतना वो ध्यान भी नहीं देता हूँ, बट कोई नहीं यार हेटर्स तो हैं बहुत सारे दुनिया में, बाहर में जान दो।
सो गाइस हमारा अगला कमेंट है वो है संजय जी का एंड वो कह रहे हैं रैपिड फायर ओके। तो जेबीएल और स्कल कैंडी, तो जेबीएल वाइफ और गर्लफ्रेंड तो कुछ भी नहीं है इनमें से, तो दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। एंड 1 मिलियन मनी एंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो 1 मिलियन मनी मैं नहीं चाहता यार, 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे अचानक से हो जाए, तो 1 मिलियन मनी लूंगा फिर उससे यूट्यूब के गियर्स खरीदूंगा, आपको अच्छी अच्छी वीडियोज दूंगा। एंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए यार, क्योंकि अचानक से मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, गियर्स लूंगा यूट्यूब के यानी 1 मिलियन मनी से, तो फिर यार आपको वीडियोस अच्छी मिलेगी। तो भाई मेहनत से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, कहीं से चोरी वोरी करके मत बढ़ाओ, ठीक है भाई। और बाकी तो यार आप कुछ भी नहीं दोगे, मुझे पता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर और 1 मिलियन मनी में से कुछ भी नहीं दोगे। सो अगला है वो है टी शर्ट और शर्ट, तो टी शर्ट एंड समर और विंटर, तो विंटर। सो गाइस जो मेरा आखिरी कमेंट है एंड जो बहुत लोगों ने पूछा था मेरे से भाई इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने पूछा, सच बताऊं तो ये विशाल जी का कमेंट है एंड वो कह रहे हैं हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। तो भाई यार देख लो, यार देख लो गाइस दिल्ली में बहुत गर्मी है सच में, तो अब भाई अब यूट्यूब मनी काम आती है हमेशा हर जगह। सच में यार वो बहुत गर्मी है तो काम आता है यार, तो काम आता है यार यूट्यूब। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए, एंड गाइस ये थी वीडियो आस्क एटीएस एपिसोड नंबर 10 की। तो अगर आपको चाहिए आस्क एटीएस एपिसोड नंबर 11, तो हमेशा की तरह इस वीडियो पे कर दीजिए अपने क्वेश्चंस कमेंट, और बाय यूजिंग हैशटैग तो नहीं बोलूंगा यार क्योंकि आप यूज ही नहीं करते हो, मेरी बेइज्जती हो जाती है, तो बहुत बुरे हो गए आप लोग, इस बार प्लीज यूज करना। एंड मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कि इस वीडियो पे हम लाइक एंड कुछ भी नहीं रखते हैं, जितना मर्जी होता है ठोको, ठोकते जाओ लाइक, ठोकते जाओ। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस, गाइस यही विनती है मेरी आपसे। बस आज के इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।